आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। जिले में किस तरह स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल है, ऐसे में कई स्कूल है जहां आज भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। इसी को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष बीना राजे द्वारा जगह जगह जाकर निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्कूलों और गांव-गांव में हो रहे लगातार भ्रमण के दौरान जहां पर भी जो कमियां हैं उन सब के बारे में जानकारी ले रही हैं मीना राजे। आज निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंद्रा और शासकीय उच्चतर विद्यालय कुआरपुर एवं कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास कुमरपुर में जाकर पढ़ रहे बच्चों के प्रति उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही शिक्षकों को निर्देशित किया कि स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, सभी शिक्षक समय पर शाला में उपस्थित हों। उनके द्वारा बताया गया कि हम स्कूलों में छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी अनहोनी घटना न होने पाए। साथ ही स्कूलों में स्व सहायता समूह के माध्यम से खराब खाना जो मिल रहा है उसकी जांच की जाए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से भोजन मिले। पूछने पर उन्होंने बताया जिले में हमारा प्रयास जारी है, हम लोगों को उनकी मूलभूत सेवाएं और शासन की योजनाओं के लाभ के बारे में बताने का प्रयास करते रहेंगे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए पन्ना से नंदूर राजा की रिपोर्ट। थाली वगैरह नहीं है कुछ तो आपको थाली नहीं मिलती क्या? ये बताइए आपके विद्यालय में जो आपको खाना मिलता है कैसा मिलता है? अच्छा नहीं मिलता। खाना खराब दिया जाता है? खराब क्या क्या खराब दिया जाता है? सब्जी में कहीं नमक नहीं होगा तो कहीं सर पानी पानी होगी, कहीं सर दाल में दाल तो रोटी छोड़ इतनी पतली पतली। रोटी कितनी मिलती है आपको? तीन रोटी। जिस इसके संबंध में आपने कभी अपने टीचर से नहीं बोला, प्रिंसिपल साहब से नहीं बोला सर हमको खाना खराब मिलता है? नो सर। नहीं बोला? नहीं। डरते हो आप? ऐसा। कौन सा विद्यालय है ये? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। चेक किया और क्या पाया गया विद्यालय में? विद्यालय तो चेक कर रहे हैं लेकिन हमारा लक्ष्य है जो हमारी सरकार शिवराज सरकार जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। हमारा कर्तव्य है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो योजनाएं चलती हैं उसका लाभ हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारा कर्तव्य है। और इसमें जो भी विभाग बीच में आता है जिसकी भी लापरवाही देखी जाती है चाहे वो शिक्षा खाना को लेकर के कि हमको खाना खराब मिलता है, ये स्थिति लगभग लगभग सभी स्कूलों की है, कैसे इस समस्या से निजात पाएंगे? कैमरे लगवाना इसके लिए हमने पहले ही सोच के रखा है कि हम जल्दी से जल्दी सभी विद्यालयों में कैमरे सीसीटीवी कैमरों से जोड़ा जाएगा जिससे हम कहीं भी हों हम भोजन भी चेक करेंगे। यही एक समस्या का निदान दिखता है, बाकी तो नहीं दिखता हमको। रोज रोज हम हर जगह नहीं पहुँच सकते। अच्छा मिलता है खाना? अच्छा मिलता है? खाना अच्छा नहीं मिलता तो आप देख रहे हैं बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं मिलता है। कुछ बड़े बच्चे भी हैं इस विद्यालय में, उन बड़े बच्चों से पूछूंगा। बताइए आपकी क्या समस्या है? हमारी भोजन व्यवस्था बहुत ही घटिया है। इस युग में जहाँ गैस टंकी से भोजन बन रहा है वहाँ चूल्हे का उपयोग हो रहा है जिससे कई प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं आप भी देख रहे हैं। और ये ग्राउंड में बाउंड्री की व्यवस्था अगर करवा दी जाए बच्चे लंच में भी निकल जाते हैं, इससे जानवर भी हमारे यहाँ घूमते रहते हैं और विद्यालय की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे शिकायत कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पन्ना की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही